वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए रुपीज कंपनी का सेंडिंग मशीन लेके आया हूँ, क्योंकि हमने इसके पहले भी पार्ट वन बनाया था तो आप भाइयों ने काफ़ी प्यार दिया था, तो उसके पार्ट टू के लिए भी आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे। दोस्तों इसका जो सा मॉडल नंबर है LC71T है, और दोस्तों इसका जो सा हमने लाइक का टारगेट रखा है वो 5000 का रखा है, वो मुझे पता है आप लाइक का बटन दबा दोगे। आइए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आइए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू में हमें ऊपर ये बुक मिलती है, मैनुअल बुक मिलती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखो, मैं वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा ये किस किस तरीके से काम करती है। दोस्तों आइए मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जो सी इसके साथ हमें वायर मिलती है, ये 5 मीटर की है, ये कॉपर वायर है। और दोस्तों इसका जौन सा मशीन का पकड़ने का है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और हमें इसमें फीलिंग ना प्लास्टिक की नहीं होती, रबड़ की होती है। जैसे हमारे हाथ में पसीना वगैरह आ जाए तो ये स्लिप नहीं करेगा। अगर हम वर्किंग भी करते हैं 7-8 घंटे तक, हमें महसूस नहीं होगी हमने ये पकड़ी हुई है। और दोस्तों इसकी वाइब्रेशन बिल्कुल 0 के बराबर है, वाइब्रेशन बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये नहीं होगा कि आपने आपके हाथ में दर्द हो रहा है, कि आपके शोल्डर में पेन हो रहा है, तो ऐसी, क्योंकि जो सी इससे हल्की वाली मशीनें होती हैं उनमें क्या होता है कि हमें काफ़ी टाइम बाद पता लगता है कि हमारा शोल्डर जाम हो गया, हमारी कूनी में दर्द होने लग गया, हमारी नसों में प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें जो सी ये वाली भाइयों को दिक्कत आती है, तो इसमें इस मशीन में ये वाली दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों हम नीचे इसके पेपर के बारे में बात करते हैं। जो सा इसके अंदर ये पेपर लगा हुआ है, ये 3 इंची बाई 8 इंची का है, मेरे पास फिलहाल अभी छोटा, मैंने छोटा लगा रखा है। और ये देखिए, और जो सी इसकी ये चिपकाने वाली टेप है, बहुत ही अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलती है। ये नहीं है कि आप इसके कम से 1000 पेपर भी लगा लोगे तो भी ये ख़राब नहीं होगी, इसका ऐसा है। और दोस्तों ये दोनों तरफ से काम करती है। ये हमारी कौन सी जगह काम आती है, जैसे लूबर वाले डोर हो जाते हैं, भी अंदर लूबर होते हैं, हमारे हाथ नहीं चल पाता उनके अंदर, तो हमारी ये इधर की तरफ से भी काम करेगी और इधर की तरफ से भी काम करेगी। ये देखिए इधर की, और इसके अंदर ना ये देखिए, ये भी इधर दोनों तरफ इसमें ये लगा हुआ है, ठीक है, ये दोनों तरफ इसके अंदर लगा हुआ है। दोस्तों ये सैंड पेपर है, मैंने वैसे पेपर बोल दिया, आमतौर पर हम पेपर ही बोलते हैं, रेगमाल बोलते हैं, सैंड पेपर दोनों तरफ इसके, इधर भी सैंड पेपर लगता है, इधर भी लगता है। कभी भी हम कोई भी ऐसे लूवर वाला डोर करते हैं तो ये इसकी जो सी थिकनेस है 5 mm के करीब है, यानी कि लूवर में अच्छी तरीके से अंदर चली जाती है, तो इधर भी वर्किंग करती है और इधर भी करती है। और हम दोस्तों इसके पीछे ये हमारा लगता है वैक्यूम के लिए लगता है, पीछे कोई भी डस्ट वगैरह होगी ये नहीं कि आपके हाथ पर गिरेगी, ये लगता है। ये देखिए ये इस तरीके से हमारा फिट हो जाता है इसके अंदर। अगर ये मशीनें कॉस्टली हैं तो इनके अंदर खासियत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये जो सी मशीनरी है ये फरारी कंपनी इस्तेमाल करती है, ये इटली की है, इटली की कंपनी है रुपीस। और देखो अब जब इसके अंदर डस्ट वगैरह हमारी इसके अंदर आ जाती है तो हमने ये इसको इस तरीके से खोलना, अपने को ये खोला हमने, ये हमने इसको साफ कर लिया, ठीक है, इसके अंदर डस्ट निकाला, फिर हमने इसको लॉक कर दिया। ये देखिए इसका ये लॉक हो जाता है, इसके ऊपर भी रुपीस लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों मैंने इसका प्लग लगा लिया है, अब मैं आपको इसमें यूज़ इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, और पीछे हम इसके अपना ये लगा लेंगे। और दोस्तों इसका जो सा ऑन ऑफ का बटन है फ्रंट में, ये देखिए आप देखिए, मैंने पकड़ी हुई है, बिल्कुल मेरा हाथ वाइब्रेशन नहीं कर रहा, ये देखिए। अब इसके ऊपर वर्क हमने कैसे करना है, अब जैसे अंदर की है, ये अंदर की चीज़ें हैं तो हमें ना हाथ के साथ रेगमाल ऐसे करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि उंगलियों के दबाव से यहाँ ढबक पड़ जाएगी, जैसे हाई ग्लोस वगैरह पेंट करते तो उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा कमियाँ नज़र आती है, इसके अंदर क्या एकदम फ्लैट रहता है। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब मैं आपको फ्रंट पर भी करके दिखाता हूँ इसी के साथ यहाँ पर।
दोस्तों जिस तरीके से मैंने इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाई है, कम से कम जो सा 3-4 घंटे का काम है वो हमारा मिनटों में हो जाता है। जो हाथ से हमारी फिनिशिंग नहीं आ पाती वो इन मशीनों से आती है प्रॉपर अच्छी तरीके से, क्योंकि हम हाथ से लगाते हैं तो हमारी फिंगर कहीं कम हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो ये मशीनें ज़्यादा यानी कि बहुत टॉप नंबर वन है, वर्ल्ड की नंबर वन मशीन है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वर्क करके दिखाया, देखो इसका डस्ट वगैरह कोई बाहर नहीं आया। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है कि हम किसी के घर में काम वगैरह करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खांसी वगैरह या डस्ट वगैरह सोपों पे, उससे ज़्यादा तो सफाई में टाइम हमारा वेस्ट चले जाता है। ये देखिए अभी कम हुआ है, ये देखिए आप इस तरीके से इसको झाड़ सकते हो या किसी ब्लोअर के साथ आप इसको हवा मार सकते हो। ये देखिए बिल्कुल साफ है। और हाँ दोस्तों, इसकी जो सी अपनी मोटर की जो सी खासियत है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ब्रशलेस होती है तो इसलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा होती है। जो सी ब्रश वाली होती है उनका प्राइस कम होता है और काफ़ी यानी कि लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती, ये इसीलिए इसमें खास बात है। दोस्तों आइए इस मशीन के प्राइस के बारे में जान लेते हैं। हम सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा प्राइस, और दोस्तों अगर किसी भाई को अगर जो परचेज वगैरह करनी है तो सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे MBS ग्लोबल, तो वहाँ पर जाके आपका फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।